के बजने इस समय सारा 9:45 ही हो रहा था। हाँ मैं कन्फ्यूजन थी, तो अभी फिलहाल खाने का आज कार्यक्रम अभी नहीं हुआ है, अब चने बनाऊंगी। बनने का सब चीज़ करीब करीब बन चुका है, अभी चावल चढ़ाना है, रोटी बनानी है, दो सब्जियां बनाई है जवाब। तो अभी बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, मैं दिखा रही हूँ बैक करके क्या हाल रुका कर। संडे है तो बच्चे स्टार्ट किया, तो ये देखिए कॉपी किताब सारा चीज़ इस तरीके से। बाबू छोटी बेटी पढ़ रही थी उस दूसरे वाले रूम में, बाबू मैं बड़ी बेटी पढ़ रही, अब मैं चली हूँ। अभी कंबल भी हमारा फोल्ड नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा है। तो पहले मैं रोटी और चावल बना लूँगी सब करने बाद, क्योंकि थोड़ा धीमे धीमे थोड़ा कोई भी काम कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई फटाफट क्योंकि पापा जी को जाना था, तो फिर मैं रोटी बनाने आ गई। और लाइट आज सुबह रात से इतना ज़्यादा कट रहा है, इतना ज़्यादा ना पूरा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा, अजीब सा लग रहा। और मेरी कुछ तबीयत भी नहीं ठीक है, इसलिए मैं और भी अजीब तरीके से बनी हूँ, बट जो रियल है वही रियल। इसको क्यों रेड कलर करके ले जाना है? अरे यार रेड कलर करके नहीं ले जाना है, पहले हम यहाँ हाफ रेड करेंगे फिर हाफ येलो करेंगे, बीच में थोड़ा रेड हाफ को मिक्स करके ऑरेंज में कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइनिंग, ये देख रही हो ये हुआ है, हुआ है थोड़ा थोड़ा वाली लाइनिंग ब्लैक कलर से करेंगे। मैं ब्लैक कलर तो खत्म हो गया, तब ये करेंगे। आप कॉपी किताब रखे, टेस्टर पापा का पेज कस लिए फिर डांटेंगे, रखिए उसे रख के जाइए कॉपी तब उठे और ना आइए नहा लीजिए, लाइट नहीं है, जाइए। अब अगर उधर कुछ गए तो मारेंगे आज। अब मैं चले हूँ फटाफट चावल चढ़ाऊँगी और किचन का काम करूँगी, रोटी तो मेरी बन चुकी है। अब ये सब करने के बाद फिर मैं खाली हो जाऊँगी, खाली नहीं होंगी, मैंने बच्चों को नहलाना धुलाना यूनिफॉर्म धुला, तो चावल उनको मम्मी रखी थी चुनकर, लेकिन ज़्यादा लग रहा था। जो भी जैसे डेली चावल चुनाता है तो उसमें क्या होता है, जितना अधिक होता है ना बस थोड़ा थोड़ा मैं टिफिन में करके रखती जाती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्टोर होता रहता है आपका, कभी कभी आप जल्दबाजी में नहीं कर सको तो वो चीज़ हो जाए, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं चावल धुल के चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ रूम में। बढ़िया है, ऐसे बाल कौन कौन झाड़ता है बताइएगा। नीचे पूरा बाल सीधा पूरा पूरा कर नीचे कर देना, मुंडी भी नीचे कर लेना, उसके बाद आप कंघी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसा फील हो रहा है जी? थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा, बाल झड़ने दर्द नहीं हो रहा है, ऐसे आप लोग भी जितने लोग करना कर ले। सीधा कर लो ना मुंडी, आज है संडे और संडे के दिन बाल धुलाता है, बाल धुलाने के बाद दिन हीरोइन बन के घूमना रहता है और पूरे दिन डांट सुनना रहता है ना जी, बाबा से अम्मा से पापा से कि क्या बाल खोल खोल के घूम रही हो, तुम लोग छोटी नहीं की, तेल नहीं लगाई, घर भर बाल हो जा रहे हैं। ना अम्मा नहीं बोलेंगी, बाबा बोलेंगे और अम्मा मना लेंगी, लेकिन बाल खोल के घूमना है। ऐसे छोटी भी बाल सकते हैं, अभी तो गीला है ना, मालूम है क्या बढ़िया होता है जी, क्या होता है जी, नहीं सब अच्छा। आलू टमाटर के रिश्तेदार भी बनाए हैं इसीलिए, हाँ उसको भी बनाए हैं। तो आलू टमाटर के रिश्तेदार, अम्मा की मोबाइल यहाँ पे देखिए पड़ी हुई है। अभी आज का है संडे, क्या हुआ लट 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 उल्टी लटे, और आगे क्या है, आगे क्या है, आगे ये कोआ। ऐसे भी कर सकते इसके, ऐसे भी करा, कितने खड़े खड़े लग रहे हैं, ये बात सुलझाने का अच्छा तरीका है। तो अभी फिलहाल मैं चली हूँ, फटाफट बजे हैं 11:30, 11:30 बजा और मैं चली हूँ आज अभी बाबू को भोजन देने अपने, आज है संडे और संडे का दिन, और ये कहीं गए हैं, ये भी अभी भोजन नहीं किए हैं पापा जी करके, वो फिर से अपने स्कूल, उनका स्कूल तो जाना ही रहता है, चाहे कुछ हो लेती आओ यार, लेती आओ, ड्रेस धुला है ना धुले, ए बे शर्ट लाओ सर, अपना स्कर्ट और शर्ट लाओ,
भिगो दे तब फिर धुल जाएगी। अब यहाँ पे मेरा रूम की सफाई अभियान चालू हो गया है। अब कपड़े पड़े क्योंकि आज बच्चे घर में ही हैं तो पूरा दिन भागा इधर उधर फैला रहेगा सारा चीज़। कितना भी आप सफाई कर लो ना, लेकिन जब बच्चे रहते हैं घर में ना तो पूरा घर कोई तो ऐसे ही मचा देते हैं धूमचुक। तो इस तरीके से मेरी जो रूटीन हो जाती है पूरी। संडे के दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, धुलना रहता तभी फिलहाल मुझे लग रहा है सर सभी सर सर धुल देते। और कल मैंने ग्रीन कलर की सूट मंगाया था, उसे भी मैं दिखा अच्छा तरीका था बट वो तरीका काम नहीं किया। नहीं हो गया था, वो हो गया? गया था और मांग जब हम पीछे किए तो उसकी वजह से छोड़ो तुम छोड़ोगे सीधा करो आगे से हीरो पर वाला आगे से बेबी कट बेबी कट ये हो गई बेबी कट। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई इसे खाना देने। तो देखिए इतना सारा चावल निकाले थे, चावल सहित कटोरा ऐसे गिराया कि चावल वैसे ही पड़ा था। मैं उसे डांट रही थी, मैंने तो मुझे बोला मत ऐसे दिखाओ वीडियो चल रहा तो खाना के साथ साथ सब सर भी खा जाते हैं मेरा। तो यहाँ पे अब वो लेके गया, अब गिराया पराया सब कुछ करते हुए किसी तरीके से वो लेके गया। अब आ गई ये मैडम तो इनको भी अब भोजन निकाल दे दे दे। पूरा दिन ऐसे रहता ना कि सच में ज़िंदगी हो गई एकदम नरक। वही होता है ना ज़िंदगी को, लोग कहते हैं कि नरक वाली जिलत जी लो। क्या नरक वाली क्या होती, जैसे बहुत खिसी पिटी वही चीज़ें, वही डेली रूटीन, वही चीज़ें, कुछ अलग आपको नहीं मिल पाता है। तो मुझे खुद बहुत अजीब सी फील होती है, लेकिन क्या करें जो घर गृहस्थी जो अपना होता है ना, ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना, क्या करें करना ही रहता है। भैया अब ये यहाँ नाराज़ हो गए, इन्हें चाह रही है रिमोट। और सुबह ये मॉर्निंग में देखा था, अब तीनों बच्चे जब साथ में रहते हैं तो एक मैं आधा आधा घंटा तीनों को देती हूँ कि ऐसे हो जाए। लेकिन पानी वहाँ रखे हुए हैं ना, सुबह उठने के बाद वो फटाफट देख लेता है। बजे हैं दोपहर के 12:15 और भोजन करना सोच रही हूँ, मैं भी करूँ क्या करूँ देखती हूँ क्या। पानी पीना कैसा है उसमें मिक्स करो। दोपहर के बज गए हैं 1:00, यहाँ पे मैं आ रही हूँ कपड़ा डालने। और पार्किंग एरिया इतना गंदा लग रहा था ना कि फिर से मेरा मन नहीं माना और ये सब करने के कपड़ा यहाँ डालने के बाद, क्योंकि मैं इधर आई नहीं थी, फटाफट मैं झाड़ू लगाने। वही कहती हूँ ना, मैं सोचती हूँ अगर ये काम नहीं करूँगी लेकिन देखने बाद गंदा लगा तो मेरा मन ही नहीं मानता है। तो मैं फटाफट लगे हाथ झाड़ू भी लगा ली और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मम्मी कपड़े पड़े थे वो सूख गए थे तो इसे ले जा रही हूँ अंदर और इसे रख के फिर मैं अपने और कपड़े से आ रहे थे वो डाल दी हूँ। अब चलूँगी और भी जो काम है उसे पहले करूँगी, करने के बाद तब आराम से खाऊँगी खाने, और खाने के बाद तो थोड़ा सोचूँगी आराम करूँगी। तो यहाँ चैनल वगैरह भी बंद कर दूँ क्योंकि बच्चे रहते हैं ना ध्यान नहीं देते हैं, बिल्ली आ रही है क्या आ रही, वो लोग आ गए। रूम देखे टीवी आराम से चल रही है, बच्चे थी वो नहा रही है, ये दोनों टीवी आराम से देख रहे हैं, टीवी में एकदम लीन हो जाते हैं। और फिर आई इतना खाना खाने, इतनी मक्खियाँ थी किचन, मुझे देखने से इतना गंदा लग रहा था कि मैं परफ्यूम छिड़कने लगी पूरे किचन में, पूरे जगह जगह सारे परफ्यूम मार डाले कि इतना साफ हो जाए। तो सच में पता नहीं क्यों आज ही ज़्यादा मक्खियाँ लग रही है, ऐसी डेली तो नहीं लगती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धो रही थी बार बार इस हैंकी जो कि इतना साफ है, अपने किचन की हैंकी साफ करके रखती हूँ उस पर भी आज मक्खियाँ बैठ रही थी। इसमें क्या कि मैं इसे परफ्यूम पूरे किचन की जगह पे ना परफ्यूम दिखा दूँ तो यहाँ मैंने पूरे किचन में परफ्यूम डाल दिया। चलो हो जाए तो कहता ना क्यों ना मक्खी से बहुत मुझे गंदा लगता है, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने इसका डब्बा भी रखा है, अभी इसमें ऐड करूँ क्योंकि अब तो मैं कर चुकी हूँ, मैंने जितनी भी मक्खियाँ थी सारी मक्खियों के ऊपर डाल दी हूँ, सारे भागे गए।